हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा IDT का पेपर है नवंबर 2020 का। सो ओल्ड और न्यू का सेम क्वेश्चन पेपर था, तो दोनों के लिए एक ही वीडियो बनेगा। सो आज का पेपर जो है वो बहुत टफ आया था, कह सकते हैं बहुत टफ आया था, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो जैसे एक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ही डीप में पूछ लिया। जैसे सपोज कोई प्रोविजनल असेसमेंट है, उसमें फाइनल असेसमेंट का जो लिमिट है वो क्या होगा। सो यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस कभी देखे नहीं गए, तो इसीलिए बाकी जो क्वेश्चन थे वो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे, कुछ 50% और 50% करने लायक थे। और बात करें अगर MCQs की, MCQ भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे, और उसमें 50% MCQs आपको आगे होंगे, बट 50% MCQs बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे, मतलब जैसे आप FTP छोड़ के जाते हो तो FTP में से 3 MCQs आ गए। तो हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ये था हमारा टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने वाला, कि इसके अंदर कितना हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट और मिलकर हमें कितना कैश लेजर से पेमेंट करना है। तो इसके अंदर मोस्टली RCM की काफ़ी चीज़ें पूछी उन्होंने, और यहाँ पे एक जॉब वर्कर का भी पॉइंट डाल दिया इन्होंने, और कुछ इनवॉइस है उसके ऊपर ITC मिल रहा है, अपलोड कर दिए GSTR 1 में, और 180 days का पेमेंट है जो वाला था, उसके अंदर आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। तो वाला पॉइंट ज्वाइन करके इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया और इसको हमें सॉल्व करना था। इसके अंदर हमें एक मतलब ये जितनी भी एडजस्टमेंट थी ये करनी थी। और बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो काफ़ी इजी था, इसमें मोस्टली RCM की चीज़ें पूछी, मतलब इस पेपर पूरे में RCM को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया इन्होंने। बात करते हैं बी सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे पेपर में, और जो भी ये पेपर दे रहा है उसने बी क्वेश्चन तो आराम से किया होगा। बात करें सी क्वेश्चन की, ये हमारा वैल्यूएशन चैप्टर था कस्टम से, तो ये जो 9 marks थे ये स्टूडेंट ने आराम से ले लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत आई वो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। तो इसका जो रिफंड है वो मैंने कैलकुलेट करने की कोशिश करी, स्टार्ट किया, बट मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अगर आप में से किसी ने भी ये क्वेश्चन किया हो तो उसका आंसर मुझे बताइएगा, मुझे इसका आंसर नहीं आया। ठीक है, मैंने सिर्फ एक प्रोविज़न लिखा कि ये वाली रेट लगेगी बस, बाकी उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आप मुझको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बात करें बी क्वेश्चन की, तो ये डायमंड वाला क्वेश्चन था। डायमंड उसने इम्पोर्ट किए कहीं से, और वो फर्दर एक्सपोर्ट कर रहा है, बट किसी को कह रहा है कि 3 months के लिए रख दो, तो ये वो वाला क्वेश्चन था। अमेंडमेंट से रिलेटेड थोड़ा पॉइंट इसमें डाल दिया, तो ये वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो इसमें एक नई वैरायटी का क्वेश्चन एंटी डंपिंग ड्यूटी का। जो मैंने किया है वो मैं बता देता हूँ, अगर आपको लगता है कि जो मैंने अप्रोच लगाई है वो गलत है तो आप सही अप्रोच भी बता सकते हो मेरे को। मैंने ये अप्रोच लगाई है कि मैंने $200 लिए हैं, और ये जो लैंडेड वैल्यू है, जो सबसे वाली पहले वाली फर्स्ट नंबर वैल्यू है और लैंडेड वैल्यू, इन दोनों को माइनस कर दिया, और जो अमाउंट आया उसको 75 से मल्टीप्लाई करके 1000 pieces से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी एंटी डंपिंग ड्यूटी आई है। अगर आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग आई है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ। अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है, आप अगर रीजनिंग दे सकते हो, मैंने रीज़न के साथ नहीं किया इसको, तो आप बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th की बात करें, ये हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का था, तो ये एक आसान क्वेश्चन था, सिर्फ 2 point चीज़ को ध्यान रखना था। जो ये 10th है ये सिर्फ केरला यूज़ कर रहा है, और जो 9th है वो किसी और ईयर की है, तो उसकी इनपुट सर्विस अपने को यहाँ पे मिलेगी नहीं। ये पॉइंट ध्यान रख के बाकी क्वेश्चन करना था, ये आसान क्वेश्चन था। आई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन आसान था। बात करें ये TDS का क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ वगैरह होती है, और इसके अंदर 4th part में एक पेनल्टी को भी पेनल्टी को भी डाल दिया है, तो उसमें पेनल्टी लगेगी अगर उसने अपना TDS नहीं किया, 10,000 और इबेटेड अमाउंट जो भी हायर होगा वो लग जाएगा। फिर बात करें ये जो सी पार्ट है, इसने कोई मशीनरी एक्सपोर्ट, ये अपनी रिलेटेड पार्टी से, सब होल्डिंग कंपनी से,
और उसको एक साल के अंदर ही इसने वापस भेज दिया है, वो वाला पॉइंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करें तो ये मैंने ऑप्शनल में छोड़ा है और पूरा क्वेश्चन मुझे काफ़ी टफ लगा, बट बी जो पार्ट था जो डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर, सॉरी 73 की जो लिमिट्स थी वो थी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी मुझे इसका फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने वो किया नहीं, या किया है तो भी मेरे को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो ये भी मैंने FTP पढ़ के नहीं रखा था तो मेरे को FTP का क्वेश्चन नहीं आया, बट FTP का यही क्वेश्चन आज से 2-3 अटैम्प्ट पहले आ चुका है। ठीक है, बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की तो सिक्स्थ क्वेश्चन रिविजनल अथॉरिटी का था, सिर्फ टाइम लिमिट लिखनी थी और टाइम लिमिट कहाँ तक होगी, कितने टाइम में कर पाएगा वो लिखना था। इसका जो बी पार्ट था वो काफ़ी आसान था, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें 39 लाख रुपीज़ आएगा सेकेंड वाले में, और CTP उसको तो हमेशा रजिस्ट्रेशन लेना होता है कंपल्सरीली, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो। मैंने ये लिखा है सेकेंड वाले में, इसकी जो लिमिट आई है वो 39 लाख रुपीज़, जो 40 लाख से कम है, और इसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा क्योंकि ये गुड्स बिजनेस कर रहा है गुड्स का। ठीक है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, 1-2 इन दिल्ली ट्रेडिंग इन द ट्रेडिंग बिजनेस अक्रॉस द इंडिया एंड इंट्रा स्टेट टर्नओवर है, तो उसके अंदर लिमिट जो लेंगे वो 40 लाख रुपीज़ की लेंगे। ठीक है, और वो 39 लाख आ रही है तो उससे कम है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। सी पार्ट जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसका मैं ढूंढ रहा हूँ आंसर, मैं इसका आंसर 3 मंथ्स लिख के आया हूँ, अगर इसका आंसर कुछ और है तो आप मुझे बता सकते हो। तो ओवरऑल जो मेरा पेपर है वो काफ़ी अच्छा नहीं गया है और MCQs 50% अच्छे गए हैं, तो मैं कह सकता हूँ अगर इसमें मेरे को 40 मार्क्स आ जाते हैं तो अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही मेरा एनालिसिस था। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है और आप अगर मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।